वोंट बिलीव मैंने अभी क्या देखा। बारिश हो रही थी, मैं सोचा मैं ही कटोरे में डाल देती हूँ कुत्ते से, ठीक है। मैंने इतना खोला और मैं उसमें ऐसे झुकने ही वाली थी, मैंने क्या देखा, डॉगी के पीछे इतना लंबा सांप जा रहा था, सांप, और वो स्ट्रे डॉग्स हो के उनको पता नहीं चला उनके पीछे सांप जा रहा है इतना लंबा। इसी के लिए मुझे आंखों पे विश्वास नहीं आया, सांप मेरे को हर जगह सांप ही दिख रहा है, डर लग रहा है। कोई रीज़न होता है क्या सांप दिखने का? तुम चलो उधर, चलो मैं आ रही हूँ, तुम बाहर दरवाजे के बाहर खड़े खड़े हो, चल कुछ होगा तो बचाने तो आने ना, मैं दरवाजे बंद करके नहीं नहाऊंगी। बारिश भी तेज हो गई, वेदर भी काफी बदल रहा है। मम्मी को थोड़ा है एलर्जी डस्ट वगैरह से, अस्थमा भी है वो काफी हो गया है, नाक में शुरू पर आली वगैरह चली थी ना, से बारिश भी हुई तो दो दिन से तो वैसे ही हो रहा था, तो आज बिल्कुल लग रही है। तो पहले तो गर्म पानी दे रहे हैं, तो बनाऊंगी चाय में मम्मी गर्म पानी, ध्यान से तेज गर्म। ये डाली दो इलायची, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, धनिया, इसमें डालेंगे पानी, बाकी सारा आ जाए बाकी का। अब देखते हैं मम्मी की चिकन कैसे मिलती है। या सब जान पी गई चाय पत्ती, थोड़ा सा दो, हाँ एक चम्मच शक्कर, चाय गरम गरम चाय। वोंट बिलीव मैंने अभी क्या देखा, वो बारिश हो रही थी, मैं सोचा मैं ही कटोरे में डाल देती हूँ कुत्ते से, ठीक है। मैंने इतना खोला और मैं उसमें ऐसे झुकने ही वाली थी, मैंने क्या देखा, डॉगी के पीछे इतना लंबा सांप जा रहा था, सांप, और मैं एकदम चिल्लाया भैया सांप, भैया अंदर से निकल कर आया, फिर इतना लंबा सांप, और वो स्ट्रे डॉग्स हो के उनको पता नहीं चला उनके पीछे सांप जा रहा है इतना लंबा। इसी के लिए मुझे आंखों पे विश्वास नहीं आया, सांप इतना लंबा सांप था मम्मी, वो सांप था, सांप भैया को दिखाया है ना, ऊपर फ्लोर के ऊपर चल रहा था। अरे वो जैसे सोसाइटी के बाहर से ऐसे, वो जंगल था नहीं इधर, इतना लंबा सा ऐसे पूरा जैसे निकल के इधर की तरफ गया, मतलब सोसाइटी के अंदर था, सोचो ये भैया के अंदर, वहां पे भी जा सकते हैं, बोले भैया को भैया आप ध्यान से रहना, इतना लंबा सांप। मेरे को तो बबीना याद आ गया एकदम से, लंबा सांप मम्मी भैया को दे देती ना। अरे तो डब्बे में मैं डाल रही थी कि वो बैठे हुए गीले होंगे, मैं डाल दूंगी, मैं तो वैसे भी कपड़े बदलूंगी अभी। सांप बोलो, मतलब मेरे को तो ऐसे हो गया, हाय राम दिल्ली में भी सांप, दूध निकल गया, पाप रे, मतलब हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। सारे दरवाजे कुंडी बंद करके रखना, वो सांप ऐसे जा रहा था जैसे रोज का काम हो उसका। तो तुमने तुम्हारा हाथ पैर तो नहीं लगा, छुआ नहीं आया था वो, तो मैं झुक जाती तो पता नहीं क्या होता उसका सिर। फिर भैया ने टॉर्च मारी तो अंदर जाता हुआ दिख रहा था, वहाँ जा रहा था, हाँ वो नारे नहीं रख रहे थे भैया के, तो भैया ने बोला मैं सुबह आते उसको बताऊंगा कि यहाँ सांप है, बोलता दो सांप है यहाँ पे, बोलो बच्चे और दे देंगे दो है तो। हंसो मत, दृष्टि कैसे सीरियस थी, यहाँ पे यहाँ पूरा इतनी जगह है, हाँ तो बिल्ली है डॉगी है, हाँ तो बिल्ली डॉगी तुम्हें खा जाते हैं, जहर आ जाता है उसमें से, सांप है सोचो, हमारी गाड़ियाँ रखी रहती है यहाँ पे, यहाँ पे अगर हमारी गाड़ी के अंदर से बोनट से सांप घुस सकता है के अंदर, मम्मा नहीं पक्का, क्यों चूहा घुस सकता है तो सांप की, चूहा अंदर नहीं घुस सकता, सिर्फ सामने रहता है ना, सच बता दो अंदर तो नहीं आ सकता ना सांप, कुछ बोनट में रखो अपने की सांप ना है, वो जो एक होता है ना सेंसर सा होता है, वो जो एक फ्रीक्वेंसी निकालता है वो लगवाओ गाड़ी में, तो सांप बिच्छू किच्छू सबको दूर रखे। बहुत लंबा सांप था, मैं वहाँ इतनी देर से भीगी हुई इसलिए मैं हूँ, मैं बार बार एक बोली थी आपने पहले देखा है, देखा है, तो दूसरा भाई अंदर से बोलते हैं हाँ दो सांप रहते हैं, तो मैंने बोला क्या ही बोलो, और दूसरा भैया कि कहाँ से आ गया है सांप, इतना लंबा सांप, पता है इतना लंबा, ब्राउन और डार्क ब्राउन, मेहंदी कलर का नहीं होता वैसा था, लकड़ी तो लकड़ी इतना, यहाँ से यहाँ तक जितनी मेरी एरिया है ना इतना चल के ऐसे गया, पूछ लो भैया से, फोन करके पूछ लो तुम, सांप था ही नहीं था। ठीक है आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, शुभ रात्रि, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, स्टे सेफ। मतलब लड़की सांप पूछ रही है, देखिए मेरे से विश्वास नहीं है, असली में था भैया, बस मान लिया, अच्छा ठीक मान लिया था ना, असली में था ना, मतलब मेरे पे विश्वास नहीं, तुम मैं तुम्हारी खून वाली सगी बहन हूँ।
कंफर्म कर रही थी। मैं पागल हूँ क्या? मैं ब्लॉग के लिए करूंगी, आपकी सेफ्टी के नहीं पूछ रही। तो अब पूछ लिया, तुम पर चल गया, अब तुम क्या वहाँ जाके गार्डिंग करोगी, गार्ड करोगी? मैं तो बोल के भी है भैया, ध्यान रखना अपना। सांप कोई हेल्प लाइन होती है जिससे सांप पकड़वा सकता है इंडिया में? मैं ढूंढती हूँ, बोलती हूँ मैं उनको फोन करके कि यहाँ सांप है, उनको लेके जाओ। मैन वर्सेस वाइल्ड बाहर का है। एलेक्सा, अरे दीदी सांस निकल गई, सांस की नली लगा दो इसकी। सांस फोन नहीं है एलेक्सा, अभी ऑन नहीं, मुझे जिंदा ही नहीं हुई है। और करो एलेक्सा, नहीं है अभी जिंदा। एलेक्सा जिंदा नहीं हुई, कैसे पता चलता है जिंदा हो गई? अभी दिखेगी, अभी वो काली लाइट कर देगी। मेरे को नींद नहीं आएगी रात को, मेरे को वहाँ पर भी नहीं नींद आती थी बबीना में, वहाँ तो कहीं भी घुस जाता था सांप हमारे घरों में। जितने ये सुंदर दिखता है ना आर्मी के घर, इतने नहीं होते सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सब दिखते हैं उसमें। एलेक्सा, एलेक्सा बोल नहीं रही, मर गई। एलेक्सा इज देयर एनी इंडियन हेल्पलाइन टू हेल्प मी रिमूव स्नेक्स फ्रॉम माई होम? Here's something I found on the web. According to IndianaInfo.com, the helpline numbers are Sonpur 0615822164500. Delhi ka batana. 0627 Alexa, number which exists for Delhi to remove snakes from home. I found on the web. According to IndiaToday.in. मतलब सवाल कुछ पूछो जो आंसर आता है सिर्फ वही बताएगी। Provided that Delhiites can dial it to access these services. जैसे सांप पकड़ने की? अरे आधा आंसर देती है, कैसी लड़की है ये, माँ की बात सुनती है अपनी सिर्फ। अभी के लिए बंद करते हैं, सच में बंद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू। मेरे को हर जगह सांप ही दिख रहा है, डर लग रहा है मुझे। कोई रीज़न होता है क्या सांप दिखने का? तुम चलो उधर, चल मैं ना आ रही हूँ, तुम बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी रहो, खड़ी रहो, चल कुछ होगा तो बचाने तो आने ना, मैं दरवाजे बंद करके नहीं नहाऊंगी। मतलब बेहाल होंगी ना, तो दुश्मन की जरूरत थोड़ी है। देख लो मम्मी बदतमीज क्या डाल रही है मेरे ऊपर। कर भी दिया करो कभी, बचपन से ये बोलती आ रही पिटाई करूंगी करूंगी, छोटे वाले की कभी तो कर दिया करो, जिंदगी भर ये छोटा ही रहा छोटे का बच्चा। क्यों मैं बोल रही हूँ बाथरूम के सामने खड़ी हो जाओ, मैं नहाने जा रही हूँ, चलो यहीं खड़ी रहना, मैं नहा के आऊँ, नहा के मैं बुलाऊँ तो आ जाना, दरवाजा खोल के नहा रही हूँ, बाहर से थोड़ा सा ऐसे कुंडी लगा लेना। हेलो, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, 12 बज गए, लेट हो गया नहाने में, और कल रात को इतनी बारिश हुई कि आज इतनी ठंड हो गई, परसों इसी तक मैं सो रहा था और आज पंखे में भी ठंड लग रही है। मम्मी बीमार हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा, कोल्ड फीवर सब हो रहा है उनको, लेकिन बैठेंगे नहीं, मदद कर दी हमने पराठे को रखे ना। एवरी वन प्लीज टेक केयर, काफ़ी मतलब मौसम ख़राब हो रहा है। क्या हुआ ये इंसान कहीं से बीमार लग रहा है? इतना क्यों बना रही हो? हाँ तो इतना सारा क्यों बना रही हो? इतना चार चीज़ें रखी हुई है, मंगाया होगा वो आया होगा ना, ऐसे कुछ भी थोड़ी आ जाएगा। मैंने लैम्प शेड मंगाया था, वो तो नहीं है, ऐसा थोड़ा ना ऑर्डर कर। अरे खोलो तो उसको, देखना इसमें ऐसा लग रहा है कि पप्पी को मिल जाए। देखो चाय पूरी ठंडी करती शेड है ना, बिल्कुल छुपू सा साइज कर दिया इसने, ये डिज़ाइन भी वो नहीं है जो हमने चूज़ करा, तो वापस भेज दो फिर। प्लस मैंने आपको ये सब चीज़ें नहीं आप की आते होंगे, देखना पड़ेगा डिज़ाइन यही है। ये थोड़ी सा अलग था वो, देख मैं तो दो लेट मी सी। अरे वो बिल्कुल छोटे छोटे दाने वाला था, एक बार लेट मी सी डिज़ाइन, लेकिन साइज इज़ वेरी स्मॉल था। मैं लगा लूँगी, कुछ होगा तो नहीं, कुछ नहीं, कनेक्शन ही नहीं लगा तो कैसे होगा, डरता हुआ बच्चा। तो मैं तो नहीं लगा, क्योंकि आज तक लगाए नहीं ना आप लोगों ने। हाँ। इसके ना लॉक होते हैं। एलेक्सा स्टॉप। अच्छा लगा, मतलब कल परसों तक ऐसा वेदर होता जिसमें एसी चलाने का मन कर रहा था, क्योंकि अजीब सी गर्मी लगने लगती थी थोड़ी देर में, और अभी एक नंबर पर पंखा चलाने का मन नहीं कर रहा है, एकदम से ठंड आई और अच्छी खासी सबको बीमार कर रही आई, वेट भी नहीं हो रहा था, मेरे भी नाक में कुछ चुपचुप शुरू हो गया। और बाहर अमेजिंग से बाहर फर्स्ट लुक एट द व्यू, मतलब कितना सुंदर लग रहा है। नहीं 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 चोरी करने नहीं जा रही, मैं साइकिलिंग करने जा रही हूँ, ठंड तो नहीं हो गई कि ठंड से बचाव करने के लिए सब करना बच्चे आके मिलते हैं। साइकिलिंग करने जा रही, ठीक है, अच्छी लग रही है। yeah.
मम्मा हाँ लग रही हो अच्छी लगे वो गर्म पानी से ना लेना ओ पसीने से कुछ और नहीं ठंडे पानी से नहाने वाली थी एक दिन में ऐसा वक्त बदल दिया जिस बात बदल दिया ठंडी आ गई ये क्या सोचा था कट स्लीव्स पहन के हम डांस करेंगे दिवाली पे अब तो स्वेटर पहन के करना पड़ेगा हाँ जी तो डिनर में बना है मेरी फेवरेट कुरकुरी भिंडी ये मेरा सेकंड फेवरेट पनीर चीज कॉर्न पालक राजमा रोटी चावल नहीं खाऊंगी मैं सिप अप डिनर लेट्स हैव इट एंड सी यू सून दवाई इतना सारा बनाया सब तबीयत खराब है छोटी छोटी आंखें हो गई दिखना बंद हो गया गंदा सा टेस्ट आ रहा है मुंह में आ गया कोल्ड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती इसमें एग्जाम और आ रहा है मम्मी से मेरे को हुआ है अब दृष्टि तो आवाज लगा के घूम गई कि कोल्ड सबको ज़्यादा तो बहुत ही खराब है हालत बहुत ही ख़राब है अब पिया जा रहा सूप सबके लिए बना दिया है पीते हैं हर जल्दी ठीक होते हैं क्योंकि एग्जाम ये तो सबको बीमार करा ठीक है क्योंकि तुम वहां नहीं सोती ना ये ऐसे ऐसे करती रहती है नाक को और फिर पूरे घर में डस्टिंग करेंगे बताओ फिर कैसे बच जाए हम लो कर देख लो देखो देखो इस प्राणी को पहले ठीक करा जा रहा है तुम्हारे आंखों में इस पानी आने लग गया गरम वरम पीना शुरू कर दो सारा काफी लेट हो गया तब तभी भी ठीक नहीं हुई है सब कर लिया जल्दी थी स्टीम गार्गल होपफुली जल्दी ठीक हो जाए बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है एग्जाम कैसे देंगे दोस्तों हमारा शक्ल फूल फूल के मतलब हमारा मुंह फूल फूल के पप्पा हो गया तो वो दिखाने ये देखो पिंक रोटी बस यही कसर बची थी मम्मी मैंने आपको उस दिन धमकी दी थी कि पिंक रोटी मत बनाना और आपने वही पूरा कर दिया मतलब हद है कुछ नहीं हो रहा है इन सबसे बीट रूट खराब हो जाता मेरा तो मैंने इसलिए बनाया खराब हो जाता मेरा हाँ आपने उगाया था इसको इतना लेके क्यों आती जब खराब हो जाता है तो दृष्टि देखा तुमने देखा क्या बोलूँ अब मैं मतलब मैं क्या ही बोलूँ मेरी शक्ल मत दिखाओ दृष्टि हाय हाय नाइन नाइन उठी 12 बजे नहीं 1 बजे तो मुक्का मार दूंगी मैं तो 5 बजे उठी बोलो अब मैं पूरी रात उठ उठ के स्टीम ली मैंने बाद में बताऊंगी ना आके बताऊंगी अभी नहीं बता रही हेलो एवरीवन तबीयत थोड़ी बेटर हो गई है ये देखिए 10 रुपए का कुरकुरा है ये 10 मैं जब मतलब अच्छी वाली थी तब 2-3 रुपए 5 रुपए का इससे ज़्यादा बड़ा मिलता था अभी 10 रुपए का इतू सा जो हमारे टाइम पे मतलब हमारे टाइम की बात करी हूँ 1 या 2 साल पहले जब कोविड हिट हुआ था उससे पहले ये 5 रुपए का मिलता था और जो 20 रुपए का भी मिल रहा है 30 रुपए का मिल रहा है वो 10 रुपए का मिलता था इतनी महंगाई क्यों हो गई है हेलो हाँ और मुझे दूसरी चीज़ क्या बोल रही थी कल कैसे काटी है हमने अपनी रात हर 2 घंटे में स्टीम ले लेके ले लेके ले लेके ले लेके और फिर क्या बोलते हैं इनको क्या चीज़ बोलते हैं उसको देखो पीछे अपनी बात चल रही है ये नहीं कि व्लॉग में आके मदद कर दे और कुछ बोलना था मुझे हाँ कल रात को मम्मी की वजह से क्योंकि मम्मी ने अपने कोल्ड की छींके करके पूरे घर में डस्टिंग कर दी सबको हो गया थोड़ा अरे मेरे को तो पॉइंट बोला था तो आ ही रहा हाँ मुझे रात को सांस नहीं आ रही तो मतलब पहले तो क्या हुआ सब मुँह खोल के सोना पड़ा था क्योंकि नाक से बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी वो जलने थी पलने तक का कोई फायदा नहीं था ठीक है पॉइंट नंबर 2 हाँ और गला मुँह खोल के सो रही थी तो वो सूख जा रहा था मुँह तो बहुत देर तक ऐसे हुआ फिर मैंने किशमिश विशमिश खाई फिर मैंने क्या करा एक घूंट मुँह में लेके और ऐसे करके सोती थी तो फिर 1 घंटे बाद वापस सांस आना बंद हो जाता था तो फिर वो तब तक गीला सूख जाता था पानी तो मतलब इससे मेरा गला नहीं सूख हाँ, वो तो है थोड़े टाइम के लिए तो वो देखना दूध के पैकेट कितने से हैं तो अपना ध्यान रखिए सब आज के लिए इतना ही व्लॉग कर पाए हम जल्दी से हमारे एग्जाम आने वाले हैं तो इस वजह से लेट भी आ रहा हूँ सारे व्लॉग ही लेट आ रहे हूँ तो बहुत धन्यवाद आपका हाँ अब हम लोग बहुत अच्छे सुंदर से बने हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं शुभ रात्रि मिलेंगे अगले व्लॉग बहुत डिफिकल्ट है रोज़ अप डाउन करना बहुत डिफिकल्ट है अब डलेगा थोड़ा सा दूर चाय बनाना सिखा रही हूँ